नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूँ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई स्थित चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर के ग्राम पीपलसाना में चोरी की वारदात को 11 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। गुस्साए ग्रामीण चोरी के खुलासे की मांग को लेकर सीओ से मिले और शीघ्र चोरी का खुलासा करने की मांग की। बता दें कि बीते दिनों थाना क्षेत्र के गांव पीपलसाना निवासी रमेश सिंह पुत्र बलराम सिंह, जसवेंद्र सिंह तोमर पुत्र सुरेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह समेत तीन परिवारों के घरों से करीब 35 तोले सोने व 3 किलो चांदी के आभूषण सहित 60,000 की नकदी पर हाथ साफ किया गया था। हनी तोमर, संदीप मलिक, राजेंद्र सिंह, नरेश सिंह, विजेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, रमेश सिंह, विपिन सिंह आदि ग्रामीण सीओ सुनीता दहिया से मिले और ग्रामीणों ने कहा कि 10 से 11 दिन बीतने के बाद वे पुलिस अभी तक चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है, जिसे लेकर गांव में रोष व्याप्त है। सीओ सुनीता दहिया ने ग्रामीणों को शीघ्र ही चोरी के खुलासे का आश्वासन दिया। इस दौरान पीड़ित संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, ताकि एक हफ्ता हो गया, बल्कि 8-9 दिन हो गए, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई, इसकी वजह से हम आज यहाँ पर आए हैं सीओ ऑफिस में। अगर कोई कानूनी कार्यवाही आगे होती है तो उसके बाद क्या मामला है? कहाँ हमारे मेरे घर पे तीन घरों में, मेरे गांव में तीन गांवों में चोरी हुई थी संदिग्ध स्थिति में। ये 8 तारीख की रात थी, 9 तारीख की लग गई थी 12 बजे के बाद में। उसके बाद में तीन घरों में चोरी है, इसमें एक घर मेरा भी है, एक घर सचिन का है और एक घर एक का और है। तीन घरों में चोरी हुई है, रात के 2:30 बजे के लपेट में मेरे घर में चोरी हुई है। तो अभी तक खुलासा, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ इसके बारे में। मैंने कई बार एसपी साहब से भी बात की है बिजनौर, उन्होंने भी कहा कि हम लग रही है हमारी टीम लगी हुई है, और फिर मैं सीओ ऑफिस में आज इसलिए आया हूँ ताकि एक हफ्ते आज क्या आश्वासन है। बस सीओ साहब ने वाली बात कही थी, हमारी टीम लगी हुई है। आप और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।